जगह ये वाला इमेज। अब क्वेश्चन नंबर 25, अब ये आपको यहाँ से बी सेक्शन से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बी सेक्शन जो है ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी सेक्शन में आपके एक से ज़्यादा आंसर्स लगेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से डील करना, जैसे आपने 20 क्वेश्चन ऊपर डील किया। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोग को पता है कि जो 1 नवंबर को आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए पता है केमिस्ट्री में आप लोग के सीधा सीधा 3 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। आपको केमिस्ट्री का, जैसे थंबनेल में देखा आपने, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर और बायो के जो आपका 6 चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस और 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और फिजिक्स के जो आपके लाइट वाले चैप्टर हैं, कुछ क्वेश्चंस वहाँ के आपके कवर हो जाएंगे। ये जितने भी एमसीक्यू हैं ये आपके लेटेस्ट हैं, जो कि 2016 से लेके यहाँ पे 2016 से लेके 22 तक जो भी एमसीक्यू पूछे हैं केमिस्ट्री से और पर्टिकुलर बायो और फिजिक्स को मिला के, ये सारे एमसीक्यू वहीं से कलेक्ट किए गए हैं। तो आप लोग को बिल्कुल शिद्दत से देखना है, समझना है जिस तरह के क्वेश्चंस ये मिले हैं। आप लोग को मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा ये क्वेश्चंस कैसे आए मेरे पास और क्या रीज़न था इसका। तो आप लोग बस बढ़िया तरीके से करते जाओ। जो एनसीईआरटी ने, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ा है, एमसीक्यू के लिए जो बॉक्स वाले सेशन होते हैं, तो टेंशन ना लो, आप लोग इस पीडीएफ को कर जाओ बढ़िया तरीके से। ये सोचना आपके केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, छूटते बढ़ते कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पता है साइंस है, अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो आप लोग हर एक तरह की चीज़ों के लिए तैयार हो, आप लोग हर एक ऑप्शंस को, हर एक क्वेश्चंस को बहुत डीपली समझना। अब मुझे पता है ये सीरियस बच्चे डेफिनेटली करेंगे। चलो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज देखो टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है आप सबके लिए, हम लोगों के लिए। तो चलो दोस्त, देखते सबसे पहले कि जैसे आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपके 20 पर्टिकुलर एमसीक्यू पहले डिस्कस करूंगा, फिर आपके सामने कुछ केस बेस्ड होगा, फिर आपके सामने कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग को पैनिक नहीं होना, भले वीडियो लॉन्ग हो सकती है बट बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी 100%। देखो मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा व्हाट हैपेंड व्हेन कॉपर मेटल, कह रहा कॉपर मेटल जब भी सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में डुबाया जाएगा तो क्या होगा। आप लोग को पता होना चाहिए जो जिंक सल्फेट होता है और ये कॉपर मेटल होता है, इनके बीच में जब भी कभी भी कॉपर मेटल अगर जिंक सल्फेट में मिलाया जाता है तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। तो देखो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन लग जाएगा आपका, न्यू रिएक्शन टेक प्लेस। तो आप लोग को ये चीज़ समझ आ जाना चाहिए, जब भी कॉपर मेटल की बात कर रहा है और सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फाइड की बात कर रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ये बात समझ आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बढ़िया से आप लोग समझते जाना। ये आपके एनसीईआरटी के जो बॉक्स होते हैं साइड साइड से, वहाँ से सीबीएसई हमेशा पेपर बनाती है। सीबीएसई और डीयू देखो दोनों कोलैब में हमेशा पेपर बनाते हैं, प्री बोर्ड के और साथ साथ में जो आपके मिड टर्म चल रहे हैं। सीबीएसई सिर्फ फाइनल पेपर बनाती है जो आपके 15 फरवरी के बाद होंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग सामने है कि द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2NO2 इन द रेशियो, क्या कर रहा है जब भी कभी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है वहाँ पर H2 और O2 इनकी रेशियो क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए इनकी रेशियो, H2 और O2 की रेशियो जो यहाँ पे आप सबके सामने है क्वेश्चन, इसका होता है 2:1। क्या होता है मेरे भाई, जब भी H2 और O2 का रेशियो होता है ये होता है 2:1। तो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, और एक चीज़ और याद रखना है, इनका हमेशा होता है वॉल्यूम ना कि मास। तो याद रखना हमेशा वॉल्यूम होता है, बिकॉज ये लोग लिक्विड फॉर्म में नापा जाता है। जब भी कभी भी कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में नापा जाता है उसके अंदर जो सेंटीमीटर क्यूबिक लगाते होते, मीटर क्यूबिक लगाते हो, उसके साथ हमेशा वॉल्यूम आता है। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को ये पता होगा, चैप्टर नंबर अगर 1 पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग डज सो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, आपको अपना रिड्यूस होना, वैसे ही समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे रिड्यूस होने का मतलब हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का लॉस होता है। आप लोग कुछ कुछ साइंस में ऐसा होता है जो आप वर्ड से भी समझ सकते हो, जैसे रिडक्शन बोला तो कम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे O2 लूज हो जाता है। ठीक भाई, अब चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग ध्यान रखना जो चैप्टर नंबर 2 है आप लोग बहुत बढ़िया से करके जाओ, जितने भी फॉर्मूलेस हैं सारे करके चले जाओ उससे भी। देखो,
चौथा क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सारे कास्टिक सोडा हो गया, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं आप लोग प्लीज़ इनके फॉर्मूला करके जाना। आप लोग इनके PDF मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखे थे पहले से, अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को इसका भी PDF मैं अवेलेबल करवा दूंगा आफ्टर क्लासेस, तो आप लोग टेलीग्राम या वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है भाइयों, देखो चौथा क्वेश्चन आपको ये चीज़ पता होगी, क्या मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ? चलो आप लोग ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग मुझे ना इसका ऑप्शन जो कमेंट होता है कमेंट करके बताना ऑप्शन। चलो मैं आपको ना दो ऑप्शन और काट देता हूँ, आपको 50-50 कर देता हूँ, ए काट लो और बी काट लो, क्योंकि ये तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकते। तो अब आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से शिद्दत से आप लोग आंसर करना और ईमानदारी रखना, प्लीज़ कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। देखो सी और डी में क्या ऑप्शन होगा। ठीक भाई, चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ये कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन होगा, आप लोग जरूर करना। ठीक, देखो पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू ड्रॉप ऑफ द कंसनट्रेट एसिड एक्सीडेंटली स्प्लिट ओवर द हैंड एंड द स्टूडेंट व्हाट शुड बी डन। अगर कभी भी कोई भी हमें एसिडिक चीज़ें हमारे हाथों पे गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप लोग को पता है कि जब भी कभी भी कोई भी एसिडिक चीज़ें गिरती तो हमें बिल्कुल हाथ को बहुत फ्रेश से तरीके से धोना चाहिए। घरेलू नुस्खा पता है आपको क्या होता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है तुरंत ही लाके लगा देते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो पहला वॉश द हैंड विद, ये तो हटा दो, कह रहा वॉश द हैंड इमिडिएटली, हाँ ये बात तो सच है, विद द प्लेंटी वाटर एंड द अप्लाई द पेस्ट सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यस, ये भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है ना आपके टूथपेस्ट में नमक है तो वो वाला एड आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे भाई अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें भी टेंशन नहीं लेना। देखो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट डिड एक्टिविटी इन द एडेड सोडियम कार्बोनेट, कोई भी बच्चा कुछ एक्टिविटी करता है वो ऐड कर देता है सोडियम कार्बोनेट टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहा है इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप कार्बो डाइऑक्साइड गैस, जब भी ध्यान सुनो कह रहा है यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप लोगों के सामने एक ये क्वेश्चन ये भी हो गया, जब भी सोडियम कार्बोनेट जब ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कह रहा है गैस रिलीज इट पास थ्रू द लाइम वाटर के थ्रू पास होता है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द ऑब्जर्व लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या ऑब्जर्व करेगा इसके अंदर? भाई आ जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेशन, देखो ये रहा बी ऑप्शन हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये चीजें आप लोग के सामने याद रहना। ठीक भाई, ये क्वेश्चन यहां से देखो, आप लोगों ने देखा कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी याद रखना है, और साथ साथ में इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, ये भी चीज याद रखना है। जो रिलीज करता है पास कहां से होता है? लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर क्या अब्सॉर्ब करता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये अब ये जो सेवन नंबर का क्वेश्चन है, सेवन नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा। देखो क्वेश्चन है का आपके सामने सेवन नंबर का, कि विच इक्वेशन द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इन दोनों में, इन चारों में कौन सा जो हमारा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दिखा रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को दिखा रहा है? तो आप लोग बता सकते हो इसका ऑप्शन क्या है? चलो मैं आप लोग को बता देती हूँ, HCl, NaOH, NaCl H2O यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ए ऑप्शन आप लोगों के सामने हो जाएगा, ये हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे भाई ये लोग आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझना कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो इनका इक्वेशन रिएक्शन होगा वो होगा आपका HCl प्लस में NOH, जो ये रिएक्टेंट हो गया प्रोडक्ट हो जाएगा आपका NaCl प्लस में H2O। तो ये बात यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग चैप्टर नंबर 1 को याद कर लो अगर अच्छे तरीके से अभी नहीं किया है, और बॉक्स को जरूर पढ़ लेना, वैसे ये वीडियो देख जाओ तो बॉक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो ध्यान तरीके से, कह रहा स्टूडेंट लर्न व्हेन द सोडियम क्लोराइड, जब भी सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, यहाँ से एक से लेकर दो क्वेश्चन बन सकता है। क्या कह रहा है कि जब एक बच्चा सीखता है, जैसे मान लो आप सीख रहे हो सोडियम क्लोराइड को आपने रिएक्ट करवाया
वाटर के साथ में, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। कह रहा है विच टाइप ऑफ रिएक्शन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये किस तरह का रिएक्शन एक्चुअल में पूछ रहा है, किस तरह का रिएक्शन होगा। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2020 से जब भी देखा गया है, हमेशा ये एक ना एक क्वेश्चन में रिपीट किया है। आप चाहे पीछे के जितने भी PYQ है उठा के देख लो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ना ऑथेंटिक चीज़ों को करके चलो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे भाई, आप लोग जैसे पढ़ाई करो, सपोज़ करो आपके पास 2 दिन का टाइम है, पैनिक मत हो आप बिल्कुल भी। NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो, और इस बार जितने भी मिड टर्म हो रहे हैं यहाँ पे आप अपने आप को जानने की कोशिश करो, आप कितने पानी में हो और आप बोर्ड में के लिए कितना तैयार हो। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग बेहतर कर सकते हो, बस बिलीव रखो अपने आप में, ठीक है? आप लोग टेंशन ना लिया करो प्लीज़। तो ये बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं होती, आप अपने आप को अभी तपा रहे हो तो आप लोग अच्छे रिजल्ट भी लेके आओगे, डेफिनेटली बिलीव है, ठीक है? तो चलो नोवा क्वेश्चन देखते हैं। नोवा क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स आप यहाँ पे कर सकते हो इसी तरीके से, अगर आप लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो आप लोग के सामने ये नोवा क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, तो होमवर्क में आप लोग को ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन मतलब कि आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करना वही पेज जो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आंसर आपका जो प्लास्टर और POP वाला होगा वही ऑप्शन इसमें भी होगा। तो अब आप समझ जाओ ऑप्शन 2 कौन सा कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 काट लो, ऑप्शन नंबर 2 को कट कर दो। और एक चीज़ मैंने आप लोग को बताया था कि अगर मान लो आपको कोई चीज़ में तुक्का लगा रहे हो, अब मान लो ऑप्शन नहीं क्लियर नहीं आ रहा आपको आंसर, तुक्का तकाजा लगा रहे हो, अब डाउट है 2-3 ऑप्शन में या 2 ऑप्शन में, सी अगर ऑप्शन उसमें है, मान लो डी और मुझे सी में कन्फ्यूजन हो रही है, तो मेरा मन कर रहा है डी लगाऊं, तो प्लीज़ डी ना लगा के आप सी लगा सकते हो अगर श्योर ना हो तो, क्योंकि मोस्टली ना आप सी ही आंसर हमेशा सही होता है। आप लोग देख लेना मैथ्स के पेपर में भी देखा आप लोगों ने, तो अब मेरा ये मानना है था, क्योंकि देखो जो भी जैसे बैंक PO के एग्जाम होते हैं तो वहां पे भी कई बार होते 2-4 ऑप्शन ऐसे होते जो सी टकरा जाते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम दोगे वहां पे ये भी टकरा जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली सी ऑप्शन काम करता है, तो वहीं से मुझे कुछ आइडिया है तो मैं आप लोग को बता पाया हूं। देखो 9 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बता देना, सी और डी में आपके पास क्या होगा ऑप्शन होगा, ठीक है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे जनरली नॉन मेटल आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी में प्रोड्यूस नहीं होता जो भी नॉन मेटल होता है, जिसमें कि विच ऑफ द फॉर्म ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर यहाँ पे। देखो मेटल नॉन मेटल में तो आपको एक चीज़ बताया होगा कि जो मेटल होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, लेस क्यूरियस होते हैं, इनके बीच में चमक होती है, ये इनके मतलब डक्टल होते हैं, डक्टिलिटी होती है, नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी किस में प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर कौन होता है, बैड कंडक्टर कौन होता है, गुड कंडक्टर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, जिसमें कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ईजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है नॉन मेटल का नहीं होता है, जो इसमें बताओ ऐसा जो 4 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, इनमें जो है कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो नॉन मेटल है। तो आप लोग को सबको पता होना चाहिए ये ग्रेफाइट होता है, क्योंकि ये जानते हो इसके ना एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ पे डायमंड, बकमिलियन, B16, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑप्शन आएगी। जब मैं करवाऊँगा तो देखो पॉसिबल हो पाती तो मैं करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11, आपको इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक यूनिक क्वेश्चन होते हैं और थोड़े से आपको पता है कि साइंस में थोड़ा अलग हटके ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप लोग ध्यान सुनते जाना। ये कह रहा है जो आपके सामने एक फिश का यहाँ पे गिल दिखा रहा है, एक हमारा लंग्स दिखा रहा है बीन ह्यूमन का, तो यहाँ पे देखो इमेज शो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फिश एंड द बीन ह्यूमन। आप जानते हो जो फिश होते हैं उनके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है अलग होता है और हम लोग का अलग होता है। ये जो है यहाँ पे वेंटिकल्स आर्ट्रियम इनका ये होता है और हम लोग का आर्ट्रिया ये होता है और वेंटिकल्स ये होते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन ध्यान सुनना। कह रहा है हाउ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश डिफरेंट फ्रॉम द बीन ह्यूमन, बीन ह्यूमन के हिसाब से जो फिश में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। आप लोग को पता है जो मछली होती है, बनाना तो आते नेटवर्क भाई, जो भी मछली होती है वो किससे लेती है, गिल से सांसें लेती है, हम अपने नोस्टिल से सांसें लेते हैं, तो जिसके कारण होता है जो ब्लड होता है, जो ब्लड जो होता है यहाँ पे वो थ्रू हार्ट ओनली फिशिस में जाता है। जो फिश होता है, जो भी मछली होती है, उनमें सिर्फ जो मतलब ब्लड जाता है वो सिर्फ हार्ट के थ्रू जाता है। हम लोग को क्या होता है, हम लोग जो ब्लड होता है
वो तो हम लोग को हार्ट के थ्रू नहीं, मतलब ऑक्सीजनेटेड डिस्ट्रक्शन दोनों भी हो सकता है, लंग्स भी और हार्ट भी, तो ये भी चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर ब्लड से रिलेटेड आप चाहते हो ना कि पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए, अगर पेपर में एक नंबर भी ना कटे, फ्यूचर के एग्जाम में भी ना पटे और आपको बहुत खतरनाक नॉलेज हो जाए, तो आज ही कम्युनिटी पोस्ट में जाके ब्लड वाले टॉपिक मैंने शेयर किया था, आप लोग वहाँ से देख लो, उसके बाद कमेंट करके बताना क्या खतरनाक नॉलेज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं, अब देखते हैं चैप्टर, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो चीज़ आप ध्यान से सुनो। अब लोग बिल्कुल भी फोकस रखना, कैसे चीज़ें होती है ऐसे हमारे बॉडी में। अब देखो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या करना आपको, कह रहा है दो, मतलब आपके सामने इमेज दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इमेज है, ये जो है यहाँ पे, ये जो इस तरह के बने होते हैं आप जानते हो, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी सही तरीके से, तो ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और ये जो होता है विली होता है। तो अगर मान लो कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में विलीज का प्रजेंस होना होता है, अगर विली आ जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर में जो भी फूड होते हैं ना, जो भी फूड होते हैं ये जल्दी जल्दी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो हम ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें, इंक्रीज इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कि 12 नंबर का जल्दी इंक्रीज इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, हम जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अच्छा लेवल का क्वेश्चन, आप लोग ध्यान सुनते जाना। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू क्लीनिंग द ब्लड। जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लीन होते हैं, अभी भी कोई बीन ह्यूमन होता है, अगर मान लो उसे कुछ हो जाता है तो वो उसके शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसे क्लीन किया जाता है, तो वो किया जाता है डायलिसिस की वजह से, तो डायलिसिस प्रोसेस होता है। तो देखो ब्लड वाला यहाँ से टॉपिक आए, आप लोग ब्लड वाला कम्युनिटी पोस्ट से जरूर देख लेना। ठीक है, नहीं तो आप ये भी डाल देना, सर्च करना ब्लड बाय SS पाठशाला, तो आपको वो टॉपिक नजर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, और अगला क्वेश्चन देखो, आप देखो क्वेश्चन सारे इजी हैं और ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को नेगलेक्ट मत करो, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, अगर नहीं भी बने ना तो देखो इससे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि द इमेज शो द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये इमेज आपको क्या दिखा रहा है, फोटोसिंथेसिस का आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट एनर्जी आ रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर यहाँ से हमें क्या ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, ये क्या रूट है, यहाँ पे क्या मिनरल्स होते हैं, ये क्या वाटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से बन रहा है, कह रहा बेस्ड ऑन द इमेज, इमेज के हिसाब से विच कंपोनेंट इज एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जब पेड़ पौधा, मतलब फोटोसिंथेसिस के दरमियान में जब फोटोसिंथेसिस लेता है तो ये रिलीज क्या करता है, एक्सक्रीट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग सबको पता चल गया होगा कि ये जो हमें ऑक्सीजन मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं जब भी एक्सक्रीट होता है यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस के जब भी समय होता है तो ये ऑक्सीजन हमें क्या करता है, रिलीज करता है। आपको पता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है स्टोमेटा, ये सारी प्रोसेस प्लीज़ पढ़ लेना आप लोग वहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में तो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, पर एक क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे है, जो प्लांट्स के अंदर में जो वाटर जाता है, मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उसका क्या नाम होता है, उस एलिमेंट उसका क्या नाम, सब्सटेंस क्या कहते हैं उसे, फाइलम कहते हैं या यहाँ पे जाइलम कहते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो ईजी क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो इसी तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में भी पेशेंसली डील करना है, डरना नहीं मेरे बच्चे, देखो किसी चीज़ से डरना नहीं है, आप लोग को वहाँ पर फेस करना है, क्योंकि यही चीज़ें होती है जहाँ पे आपको लगता है बहुत डर है, लेकिन क्या होगा यार, कोई नहीं, क्या दिक्कत है, एक दो नंबर कम आ गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने आप को एनालाइज करो, स्किल्स पे काम करो, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा, आगे आप लोग की मर्जी है, टेंशन ना लो, बस ये चीज़ बताऊँ, फ्री ऑफ माइंड रहो बिल्कुल, क्योंकि फ्री ऑफ माइंड से आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आप सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 के द व्हाट प्रिवेंट मतलब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। आप जानते हो जो मसल्स, जो हमारा हार्ट होता है कभी पंप होता है, जैसे मान लो कि जैसे लप-लप आवाज़ देखा आपने कि कभी अप एंड डाउन होते हैं, जैसे भाग दौड़ के आते हो, तो वो मतलब कि बैक फ्लो ना हो उस चीज़ के लिए क्या काम करता है, ये काम करता है वॉल्व्स इन द हार्ट। ये भी चीज़ याद रखना, ये नए क्वेश्चन थे, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2017 में पेपर में आए हुए थे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को भी यहाँ से इसी के अंदर में इंसर्ट करवाया था। ठीक है भाई, तो ये भी चीज़ें आप याद रखो,
ये सारी सारी पीपीटी पे बनाएगी मेरे भाई, सारी सारी पेज को मंगवाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए ये क्लासेस। क्योंकि देखो ये जो चैनल है एसएस मतलब सेल्फ स्टडी होता है, सबको पहले पता है कॉन्स्टेंटली समीर साहब बन रहा है, चलो वो तो इस चैनल पे जो भी चीज़ है आपको जो देखो एकेडमिक ईयर से रिलेटेड जो भी एकेडमिक में प्रॉफिटेबल हो सकता है बच्चों का, क्योंकि आप इतना टाइम दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपको कुछ बेनिफिशियल होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे ये सब चीज़ें मैं कंटेंट वही लेकर आता हूँ जो आपके लिए हो और फ्यूचर के लिए काम आए। तो आप लोग प्लीज़ शिद्दत से पढ़ना, जो भी बच्चे हो आप सीरियस बच्चे तो बढ़िया तरीके से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 डील करो, कह रहा है एंजाइम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रिस्पेक्टिवली। आप देखो जब भी इस तरह का कभी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए पेप्सिन की पहले बात करें ट्रिप्सिन की बाद में बात करें। तो उसी तरह से जो ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन भी आप पहले पेप्सिन वाली करोगे, सेकेंड वन ट्रिप्सिन वाली करोगे, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो आपके स्टमक के अंदर में होता है और ट्रिप्सिन जो होता है पैनक्रियाज में होता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो उसी तरह से हमें ऑप्शन भी क्लिक किया हमने कि पेप्सिन है तो पहले स्टमक आएगा और ट्रिप्सिन है तो पैनक्रियाज है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ़ द इमेज इज फ्रॉम फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर मिरर के सामने कभी भी कोई इमेज बनता है द इमेज डिस्टेंस विल बी, ऑब्वियस बात है इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होती है, आप लोगों ने लाइट जो आप लोगों ने पढ़ी होगी तो पता है आपको ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि जो इन वाले चैप्टर्स में मिरर से रिलेटेड जो भी है एक नंबर के आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेंस से रिलेटेड भी आ सकते हैं, तो ये भी चीज़ आप याद रखना कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले लेंस उनकी करेक्शन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि करेक्शन से पेपर मैंने देखे बनते हुए। तो प्लीज़ आप लोग वो चीज़ जरूर करके जाना। लाइक ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, जैसे मान लो एक ये आप लोग यहाँ पे इस तरह से एक ये नॉर्मल लाइन होता है रेरर मीडियम डेंसर मीडियम होता है, तो इसमें कहना चाह रहा है जो लाइट एंटर करती है यहाँ से जो इंक्लाइन लाइन होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं यार इमेज कैसे बनाऊँ यहाँ से, तो ये कहाँ पे जाती है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 18वें का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो एक बार देख लेना कंफर्म कर लेना बी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन ही होता है। तो चलो भाई ये देखो आप लोग कर लेना, मेरे हैंड से ये है कि टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की बात करा है तो रेयर डेंसर में कभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, बट आप लोग 100% श्योरिटी है कि ये आंसर होगा, आप लोग एक बार मतलब कि रीचेक कर लेना प्लीज़, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो तो कुछ ट्रिक यूज कर सकते हो, इस क्वेश्चन में देख के पता चलता है। कहता है फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, आपको पता है कॉनकेव मिरर 50 सेंटीमीटर दे रखा है। सबसे पहले मिरर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक इन्वर्टेड होता है इमेज टू टाइम्स, देखो इन्वर्टेड इमेज टू टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट, कह रहा है कि जो भी इमेज जो कॉनकेव लेंस में कॉनकेव मिरर में बना है वो टू टाइम्स है प्लेस है, तो ध्यान देखो कितने दूर में रखा गया है जो उसका टू टाइम्स बन सकता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब सबसे पहले मिरर, तो आपको पता होना चाहिए मिरर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/v, आपको पता होना चाहिए ना, या तो 1/v और प्लस में 1/u इक्वल्स टू 1/f फोकल। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कितना दे रखा है 50 दे रखा है, शुड बी प्लेस तो टू टाइम्स मतलब आप एक चीज़ देखो 50 यहाँ पे दे रखा है, अब 50 और आपको होता है एक नॉर्मल विजन जो होता है बीन ह्यूमन का कितना होता है 25 सेंटीमीटर हो, तो आप 25 सेंटीमीटर उसके अंदर में ऐड ऑन कर सकते हो, तो वहाँ से भी आंसर्स आपके ये निकल सकते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम अगर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 75, ठीक है। तो आपको होता है ना नॉर्मल विजन कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो भी चीज़ याद रखना। तो देखो अब ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जो फोकल लेंथ है यहाँ पे 20वां क्वेश्चन कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड ऑन, जो भी कभी फोकल लेंथ होता है लेंस का वो किस पे डिपेंड होता है, तो आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी कभी भी लेंस की बात होती है तो आप लोग इसमें इरेक्ट जो कि आपको होता है इरेक्ट का मतलब सीधा होता है जो लाइट पड़ने के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम में, और एक होता है इरेक्ट एक होता है मतलब इन्वर्टेड और एक इन्वर्टेड, तो ये सारी चीज़ें आप एक पढ़ के जाना क्योंकि ये सब क्वेश्चन में पूछ देता है। तो यहाँ पर कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन किस पे होता है, तो ये रेडाई ये भी होता है कर्वेचर पे भी होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द मीडियम सराउंडिंग, मीडियम नहीं रहे हो तो फायदा क्या हुआ, फिर यह था ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स मतलब आपके ये आंसर हो जाएंगे, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं जब भी फोकल लेंथ डिपेंड होता है लेंस के ऊपर में, तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है
अगला क्वेश्चन है 21। अगर गाइस देखो, अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा हो, अगर लग रहा हो कि क्लास समीर भाई बहुत बढ़िया आप अवेलेबल करवा रहे हो, जो आपके लिए वर्थ है, आप इतना टाइम एक्सपेंड करो, तो अपने एंड से प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्लासेस कितनी अच्छी लगी आप लोगों को, क्या ये आप लोग के लिए यूज़फुल है या कितना है, ये भी चीज़ बताना और हो सके अपने दोस्त यार में शेयर ज़रूर करना। आगे देखते जाओ कंटेंट कितना बढ़िया आपको मिलता जाएगा। जब भी आप लोग कभी भी याद करोगे एजुकेशन लाइन में तो इस चैनल का याद ज़रूर आएगा। देखो 21वां है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, दो चीज़ जड़ के जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रू चीज़ देखते हैं कि कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड इक्वल। चलो ये तो मेरे को पहले ही लग रहा सही और आगे तो कुछ बता ही नहीं कर रहा। द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ऑलवेज ग्रेटर दैन 90, ये तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। फिर कह रहा है द रिफ्लेक्टेड रेट लेस, अरे ब्राइटनेस का क्या बात कर दी, द बीम इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड डाइवर्जन, अरे हटा कोई कौन के मिरर थोड़ी ना। ठीक है भाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखो तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए ही ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो आप जब भी जैसे मान लो यहाँ पे प्लेन मिरर में बात करती हूँ, एक ये नॉर्मल है, तो जब भी कभी भी आप इंसिडेंट रे तो हमेशा क्या रिफ्लेक्टेड रे बनती है, तो ये दोनों का एंगल क्या होता है हमेशा तो बराबर होता है, तो एंगल इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्टेड, तो ये बात आपकी सही है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। चलो अब 22 ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा आंसर है। 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि द स्काई कुड अपीयर रेड इंस्टेड टू ब्लू। आपने देखा होगा कभी कभी आसमान जो होता है ना रेडिश हो जाता है, वैसे हमें पता है आसमान ब्लू होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है रेडिश कलर का हो जाता है। आपको पता होना चाहिए रेडिश होने का मतलब हो जाता है जो हमारा एटमोसफेयर होता है, एटमोसफेयर के अंदर में जो हमारे पास बहुत सारे एयर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये स्कैटर हो जाता है। क्या होता है, स्कैटरिंग के वजह से होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रेड लाइट होता है ये ज़्यादा स्कैटर होता है एज कम्पेयर टू कि ब्लू लाइट, तो ये भी चीज़ आप याद रखना। तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स स्कैटर रेड लाइट मोर देन द ब्लू लाइट। ये आप याद रखना हमेशा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन वही है जो पूछे गए हैं मेरे भाई। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म से जब भी कभी भी वाइट लाइट को पास किया जाता है तो क्या होता है, तो जिसमें कि आपको दो चीज़ याद रखना हमेशा कि यहाँ पे एक तो वायलेट कलर का याद रखना और रेड कलर का याद रखना है, क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन नंबर आपको होगा कि वेलोसिटी ऑफ वायलेट रे इज स्मॉलर देन डैट ऑफ रेड लाइट, तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो रेड लाइट होती है, जो रेड वाली रेज होती है, ये रेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वायलेट रेज, तो ये भी चीज़ आप याद रखना। जब भी वाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास ऑन करते हैं, जब पास आउट करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे जो वायलेट रेज होता है स्मॉलर एज द रेड रे, तो मतलब रेड रे आपके ज़्यादा होते हैं और वायलेट रेज क्या होती है कम होती है। ये क्वेश्चन आपके जब अभी एमसीक्यू हुआ था 2022 में, जो टर्म 2 फाइनल हुआ एमसीक्यू बेस्ड पे हुआ था, आपने देखा उसमें कि और इसके टर्म 1 में भी, तो 24वां क्वेश्चन ये क्वेश्चन उसी में आया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच इमेज शो द डाइवर्जन, जो डाइवर्जन ऑफ लाइट ऑफ प्रिज्म, ये कौन सा इमेज है, मतलब इन चार तरह के इमेज बने होंगे। आप देख लो यहाँ पे, ये तो देखो सी डी देखने का मतलब ही नहीं है, आप लोग देखो ए और बी में आप ऑप्शन लगा सकते हो, क्योंकि डाइवर्जन ऑफ लाइट इन प्रिज्म में क्या होता है कि ये हो जाएगा आपके बी, मतलब कि जगह ये वाला इमेज। अब क्वेश्चन नंबर 25 अभी आपको यहाँ से बी सेक्शन से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बी सेक्शन जो है ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी सेक्शन में आपके एक से ज़्यादा आंसर्स लगेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से डील करना, जैसे आपने 20 क्वेश्चन ऊपर डील किया। तो देखो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगे तो दोस्त जरूर आप कॉमेंट करके बताना। अब देखो यहाँ से 25 नंबर से लेकर 48 तक आपके ये जो 20 से मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नॉन भी होगा और कुछ क्वेश्चन अननॉन भी होगा, तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना, जिससे कि यहाँ से कुछ नए क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, तो कुछ नए क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 25 देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि द रिएक्शन ऑफ एन एग्जांपल
ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, इन रिएक्शन को आपको एग्जांपल बताना है कौन सा है, और दो तरह के, एक में दो तरह के रिएक्शन है, और रिएक्शन अगर आप चैप्टर नंबर वन जो बैलेंसिंग होती है अगर आपको नहीं आता है तो बैलेंसिंग जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से आपके कम समय में आप बैलेंसिंग करना सीख जाओगे, बहुत सिंपल ट्रिक बता रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर करा है, 4NH3 ये गैस है, 5O2 एंड द ये हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, 4NHO एंड 6H2O गैस, तो ये किस तरह का रिएक्शन है। अगर आप बच्चे जिसने चैप्टर नंबर वन किया होगा तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये किस तरह का रिएक्शन है। तो 25वें नंबर का आपका आंसर नंबर है, ये देखो यहाँ पे जो सी है, क्या है सी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और यहाँ पे आपका रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से डील करना है। तो ये बी सेक्शन है आपके, तो इस तरह के इक्वेशन अगर ना भी आता है, सिंगल भी आता है, तो पेपर में आपको अपने हिसाब से देखना है। तो इसका जो आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग करके चलो। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता है जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी रिएक्शन होते हैं वाटर के साथ एंड क्विकलाइम, देखो रिएक्शन ऑफ द वाटर विथ क्विकलाइम, जब भी कभी क्विकलाइम आप जब, तो एक्सोथर्मिक होता है उड़ जाना सारी चीज, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक जो अभी भी कोई भी रिएक्शन होता है वाटर का विद द क्विकलाइम, ठीक है भाई। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है सारे, तो आप लोग अच्छे से देखना। अब ये एसिड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ पे देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन। आप देखो एक्वस सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चंस वहाँ पे 100% पेपर में दिखने को मिलेगा, तो यहाँ से कुछ डिडक्शन करके रखो, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ के रखो, और ये सारे क्वेश्चन जिस भी आप पे बन रहे हैं इन्हीं सब टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप जब NCERT है वहाँ से करके चलो, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे कह रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट बताना एक्वस सॉल्यूशन एंड द एन एसिड और बेस के बारे में। जब भी कभी भी हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की और यहाँ पे एसिड एंड बेस की, तो हमारे माइंड में दो चीज़ आता है, एक चीज़ तो यहाँ पे हायर पीएच वैल्यू होना चाहिए या लोअर पीएच वैल्यू चाहिए, तो दो ही चीज़ याद रखना, या यहाँ पे जो हमारे पास एसिड होता है ये क्या स्ट्रांग होता है या यहाँ पे वीक होता है। तो दो चीज़ देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस का जो करेक्ट एक्सपेरिमेंट बनेगा ना इसमें 27 नंबर का आपका यहाँ पे बन जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब यहाँ पे डी, देखो डी कैसे, यहाँ पे सेकंड वाला हायर द पीएच वैल्यू, हायर पीएच वैल्यू होगी, वीकर द एसिड मतलब कि जो एसिड होगा कम होगा, मतलब पीएच वैल्यू जो होगी इसकी हाई होगी और जो यहाँ पे एसिडिक चीज़ होगी वो क्या होगी लोएस्ट होगी, तो डी ऑप्शन में। और फोर्थ लोअर द पीएच वैल्यू और वीकर द बेस वैल्यू। तो आप लोग यहाँ पे देखो एसिड बेस वाले क्वेश्चन आप लोग देख के जाओ, चैप्टर देख के जाओ, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है, आप लोग वहाँ से देख के चले जाओ। कि NCERT को कोई भी देखो बिना 2 times पढ़े मत जाना एग्जाम में, NCERT मस्ट है। अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़े हो ना तो आप NCERT को 2 times पढ़ो, बस आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो और 28 देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड द रिएक्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। आपको मैंने शुरुआत में बताया था बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इस तरह के सारे इक्वेशंस को करके चलो, तीनों चारों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन आपके वहां पे आ जाएंगे। इसके बाद कुछ मैं इस वीडियो के बाद, ये तो मैंने आपको कंप्लीट करने की कोशिश की कि जो MCQ में जो कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके अंदर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस भी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करो, पेशेंसली रहो आप लोग, कभी भी घबराए ना करो। देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कह रहा है NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में NH3, ये आपके XY की जगह क्या आएगा। तो आप लोग को पहले पता, अगर बैलेंसिंग आती होगी तो आप लोग तो ऑलरेडी बैलेंस कर चुके होंगे यहाँ से, तो लेकिन नहीं भी आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग सीधा देखो यहाँ पे NH4Cl प्लस में NaCHO3, तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आप लोग मिला के देख लो क्या आंसर है आप लोगों का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कैल्शियम ऑक्साइड एडेड इन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के अंदर में ऐड किया जाता है, इट कम्प्लीटली डिजॉल्व वाटर विदाउट द फॉर्मिंग बबल। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि कैल्शियम ऑक्साइड जब भी कभी भी वाटर के अंदर में ऐड करते हैं तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, कोई भी यहाँ पे वाटर बबल नहीं आता। तो व्हाट प्रोड्यूस अ फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो इस तरह के रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है। बहुत बेहतरीन सवाल था, लॉजिकल सवाल था, तो ये आ जाएगा
जाएगा आपका CaOH2, तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो टेक्निकल इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही क्या हुआ थोड़ा सा घुमा के पूछने लग गया, और कुछ भी नहीं है, ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 30वां क्वेश्चन कह रहा है एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब भी कभी भी मेटल कोई रिएक्ट करता है एसिड के साथ में तो हम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्टिंग विद द मेटल। अगर कभी भी इनमें तो पता चल गया, लेकिन इन दो मेटल को छोड़ के अगर हम कभी भी रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो ये Mn आपको पता होना चाहिए। Mn का मतलब क्या होता है, Mn का मतलब तो मैग्नीज, क्या होता है मेरे भाई मैग्नीज। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे मैग्नीज होता है ये भी चीज़ आप याद रखना, मैग्नीज कहते हैं Mn को, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर 12 होता है। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इस क्या रिलीज किया जाएगा HNO3। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से, जब भी रिएक्ट किया जाता है तो याद रखना मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ में, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करता है, 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। फिर ये क्या आता है एसिड डज नॉट हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद द मेटल, Mn आपको पता चल गया, न्यू एलिमेंट लग रहा हो मैग्नीज कहते हैं, ये मैग्नीशियम होता है। तो ये दोनों को छोड़ के यहाँ पे HNO3 प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के सामने हैं। अब देखो कुछ आपके सामने यहाँ पे असेसन भी है और रीजन भी है, तो देखो असेसन रीजन भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये भी, असेसन रीजन के अच्छे क्वेश्चन हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलो देखते हैं कम्प्लीटली असेसन रीजन, फिर इसके बाद देखेंगे केस बेस्ड, मतलब कम्प्लीट इस वीडियो के बाद आपका जो भी टेंशन होगी साइंस रिलेटेड दूर हो जाएगी, ठीक है। देर आई दुरुस्त आई वो वाला हिसाब किताब है। देखो मेरे भाई आपको 31 से लेकर 34 कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको असेसन रीजन पे है, इसको भी बता दे तो कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए। चारों या तीनों क्वेश्चंस के लिए आपके पास ऑप्शन ऊपर ही होगा, जिसमें कि आप देख सकते हो ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, डी दे रखा, ये आपका एक तरह से ऑप्शन माना जाता है। अगर आपका मान लो किसी भी क्वेश्चन का दोनों आंसर सही है, मतलब असेसन भी सही है रीजन भी सही है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगर मान लो कि बोथ ए एंड आर, मतलब असेसन रीजन आर ट्रू बट आर मतलब जो रीजन है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसन, तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सी जो होगा ए ट्रू होगा और रीजन जो होगा फॉल्स होगा, उसके लिए आप सी ऑप्शन रखोगे। सपोज करो आपका असेसन जो है गलत है, रीजन क्या है ट्रू है, तो उसके लिए आप डी ऑप्शन रखोगे। तो वहां के लिए आप चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का पहला देखते हैं, असेसन क्या कहता है रीजन क्या कहते हैं। असेसन कह रहा है यहाँ पे सॉप कुड बी चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जो मतलब साबुन जो होता है इसका कलर चेंज हो जाता है रेड टू ब्लू में। चलो ठीक है भाई ये देख लेते हैं यहाँ पे। अगला जो है यहाँ पे कह रहा है सॉप आर द एसिडिक इन नेचर, कभी कभी एक चीज़ रखना सॉप के ऊपर भी डिपेंड होता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो मतलब कभी कभी एसिडिक तो होता है, मतलब कि मतलब ऐसा नहीं है कि एसिडिक बेस मतलब बेस भी होता है, अगर आप वो डव वब साबुन ले लोगे तो वहाँ पे। तो इसलिए मेरे हिसाब से देखो रीजन तो कम्प्लीटली इसका गलत हो जाएगा, असेसन क्या है इसका ट्रू है। तो जहाँ पे आप लग रहा है यहाँ पे सॉप कुड बी चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू, यस करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा रीजन ये गलत और असेसन सही है, तो ये होगा सी ऑप्शन। असेसन क्या है ए जो है ट्रू है, आर जो है फॉल्स है, तो आप इस तरह के असेसन रीजन को भी डील कर सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32 थोड़ा सा और थोड़ा लार्ज करते हैं। देखो 32 क्वेश्चन हमारे सामने, यहाँ पे असेसन है रीजन है, कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड इन इज एंड द आयोनिक कंपाउंड, ये तो करेक्ट बात कह रहा है, जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है आयोनिक कंपाउंड होता है, ये सारी चीज याद रखना है यहाँ पे। और उसके बाद में जो हमारे पास मेटल है और नॉन मेटल रिएक्ट द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस बात है जो मेटल और नॉन मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है इजिली ट्रांसफर कर देता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 देखो, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन वाला जरूर कर लो, इसके बाद में मेटल और नॉन मेटल वाला जरूर कर लो, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये जो मेटल नॉन ये जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाला होता है ना शेयरिंग बॉन्ड वाला कोवेलेंट बॉन्ड, ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, वो भी बहुत आसान है। तो ये तो वैसे भी आंसर पता चल गया हमें, असेसन जो मैग्नीशियम ये भी सही है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं असेसन रीजन वाला क्या कह रहा है। चलो देखो पहला कह रहा है कि बोथ ए आर सही, ये तो हमारा सही है, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इट मींस कि हमारा 32 नंबर का जो क्वेश्चन है ये दोनों फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए
आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं 33 का क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बाइल इज़ द इसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लैपिड, मतलब कि बाइल तो हमें ज़रूरत है क्योंकि इसको बिना लैपिड की जैसे हम कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कह रहा बाइल जूस कंटेन एंजाइम, एंजाइम खुद ही एंजाइम कैसे बाइल जूस कंडक्ट करेगा, नहीं ये जो है रीज़न इसका गलत है। 33 का देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है, अर्सेशन सही रीज़न गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ऑप्शन अर्सेशन सी। ये देखो ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब कि ए जो है ट्रू है, आर जो है फॉल्स है। तो ये सब आप देखो अर्सेशन रीज़न आप जब ही कर पाओगे जब आपके पास में अर्सेशन रीज़न करने के लिए आपको पास लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके लिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अर्सेशन रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से बड़े क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हो। तो देखो मेरे भाई ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, 34 कह रहा है कॉनकेव मिरर आर यूज टू मेकअप द मिरर, आप जानते हो जो सेविंग मिरर होता है, जो भी हम मेकअप जो भी मतलब कि पार्लर वालर में लगे रहते हैं सैलून में लगे होते हैं वो क्या था, कॉनकेव मिरर होता है। आपको पता है यहाँ पे तो कॉनकेव मिरर यूज टू द मेकअप ऑफ द मेकअप रूम में यूज होता है और सैलून में भी होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अर्सेशन तो देखो भाई यहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे कह रहा है व्हेन द फेस इज हेल्ड विद द फोकस ऑफ मतलब फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द फेस सीन इन द कॉनकेव मिरर। डिमिनिश मतलब देखो इन लार्ज होता है, डिमिनिश मतलब छोटा भी होता है, लार्ज मतलब बड़ा भी छोटा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखो जो रीज़न है इसका, ये रीज़न जो है गलत है, ऐसा नहीं होता। और इसी के बीच में मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, ये जो डिमिनिश इमेज की बात कर रहा है यहाँ पे और इसके साथ में एक इरेक्ट इमेज भी होता है जिसका सीधा होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं क्या बताऊँ कि अब जब आप लोग को मैं इसमें मैं मिरर जब लाइट वाला चैप्टर करवाता तो मैं करवा सकता था बहुत अच्छे तरीके से, उसके कंसेप्ट होते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इनके लेंस और मिरर के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो आप लोग इसके फॉर्मूले जरूर करके जाना और जो नेचुरल विजन है 25 सेंटीमीटर वो भी करके जाना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन थे और इसका आंसर तो आपको बताएं अर्सेशन सही रीजन गलत, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते हो तो आपके हमने ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान से लगेंगे और ये सारे एरोबिक एनारोबिक आप लोग प्लीज़ इस सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाना, इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और इस पीडीएफ के अंदर में क्या है कि आप लोगों के पास आंसर्स भी अवेलेबल है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट कैसे बनता है कि इस तरह के क्वेश्चन देखो यहाँ पे नोजल कैविटी होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रीचा होता है, ब्रोंकियस होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन मतलब एक रेस्पिरेटरी एयर पास कैसे कैसे होता है, पहले हमारा नोजल कैविटी में होता है, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर में जाता है, फिर ट्रेचा में जाता है, इस तरह से सीक्वेंस लगाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो 38 का क्या बी हो जाएगा, इस तरह से आप ऊपर वाले जो 37 नंबर वाले क्वेश्चंस थे इसके देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए जो ग्लूकोज होता है या पिविट होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी CO2 में ब्रेक डाउन करता है H2O एनर्जी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ये डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो इस तरह के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब भी बड़े क्वेश्चन आएंगे आप वहाँ पर भी इन सब क्वेश्चन को यूज कर सकते हो। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप सारे बच्चे लगा के जाना, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे वहां पे मैसेज भी कर सकते हो और फॉलो भी कर लेना, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपके सामने वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने डाइजेस्टिव पार्ट है देख लो यहां पे, देखो तो ये है आपके सामने क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं कि जिस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ये आप तो एनसीईआरटी में ही है ये, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है। और मैं एक बता देता हूँ, अब मैं इस चीज़ को आपके सामने आप लोग कर लेना, मैं आप लोग की पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब ना कुछ बड़े क्वेश्चंस तैयार करूंगा जो आप लोगों के लिए होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग को नेगलेक्ट नहीं करना, करके जाना, ये भी पीछे आए हुए हैं। आपको इस पीडीएफ में जितने भी चीज़ मिलेंगी, आपने क्लासेस देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया तो कुछ यहाँ से गेन किया होगा, डेफिनेटली बात है, कमेंट करके बताना आपने क्या गेन किया। देखो और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लेना जिससे कि आप इजी तरीके से वहाँ पे अपने पास रिवीजन के लिए रख सको। फिर आपके सामने आता है यहाँ पे सी सेक्शन, सी सेक्शन आपके क्या होंगे, केस बेस्ड होंगे, केस बेस्ड हमेशा किस पे, जो केमिस्ट्री के होंगे, फिजिक्स के सारे केस बेस्ड होंगे, आपने बुक पढ़ी होगी तो सारे इजी तरीके से कर लोगे, इस तरह के केस बेस्ड है, क्लासेस अच्छी लगेंगी, ठीक है मेरे भाई, आप लोग कर लेना, इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास अच्छी लगी, अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो शेयर जरूर करना, ठीक है। और रही हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए बात, तो मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल भी वॉरी ना हो, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच।